नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं kaushalmatri.com के 7 न्यूज। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में एम्स अस्पताल को लेकर कांग्रेस द्वारा पूरा जिला बंद की गई थी। वहीं राजगांवपुर विधायक डॉक्टर सी एस राजन एक्का के नेतृत्व में राजगांवपुर शहर में एक रैली निकालकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी दुकानें एवं सरकारी संस्थाओं को बंद कराया। पश्चिम ओडिशार स्वच्छ रक्षा पाई ओडिशार सुंदरगढ़ जिला द्वितीय आपको बता दें कि सुंदरगढ़ जिला में एनटीपीसी द्वारा एक अस्पताल की स्थापना की गई है, जिसे एम्स अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान करने हेतु कांग्रेसियों द्वारा जिला बंद का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर राजगांवपुर शहर के विधायक सी एस राजन एक्का के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक विशाल जत्था सड़क पर निकलकर विरोध जताते हुए सभी दुकानों समेत सरकारी कार्यालयों को बंद कराई गई। यहां तक कि सभी बैंकों को भी बंद कराया गया। इनका कहना है कि सुंदरगढ़ जिला ओडिशा के बड़े जिलों में से एक है, जहां एक एम्स अस्पताल की पहले से ही मांग की जा रही है। वर्तमान में एनटीपीसी द्वारा सुंदरगढ़ जिला में जो अस्पताल बनाई गई है उसे एम्स की स्वीकृति दी जाए। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुंदरगढ़ का बंद डाका दिया गया था। कारण यही है कि हम लोग यहाँ पे सुंदरगढ़ से एक एम्स हॉस्पिटल डिमांड कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का रेडी है। एनटीपीसी का जो बिल्डिंग बनना था हॉस्पिटल का वो बन चुका है। अब वो स्टैंडर्ड एम्स स्टैंडर्ड का है। सिर्फ हम लोग को एम्स मान्यता सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए। वही डिमांड लेके बहुत दिनों से हम लोग लगे हुए थे और आज इस समर्थन को संबलपुर बुरला की तरफ से भी मिला हुआ है। और हम लोग का एयरपोर्ट देखिए सुंदरगढ़ से 25 किलोमीटर पर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नीड जो है सब कुछ है। अब यहाँ लोगों की जरूरत एक एम्स का है, क्योंकि सुंदरगढ़ इन वेस्टर्न उड़ीसा में यहाँ पे कोई भी एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। उसके साथ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग के नेबरिंग स्टेट झारखंड और छत्तीसगढ़ से बहुत सारे पेशेंट आते हैं। पेशेंट लोगों के लिए बेयर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। हम लोग की तरफ एसेंशियल सर्विस बोलिए, ट्रामा केयर बोलिए, कार्डियक केयर बोलिए और अदर फैसिलिटी मल्टी स्पेशलिटी वो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पे जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को मान्यता दे दें, यहाँ पे एम्स हो जाए। अभी क्या कारण आपको बाधा है कि आप लोग देखिए डिमांड बहुत दिनों से है और एक बिल्डिंग नहीं है, जगह नहीं है, ये बहाना था। राउरकेला में एम्स जब पहली बार उड़ीसा में एम्स आया तो राउरकेला में हम लोग के लिए एम्स आया था, उसको भुवनेश्वर लिया गया। बोला इतना कि एयरपोर्ट नहीं है, आप लोगों का जमीन नहीं मिल रहा है 120 एकड़ समथिंग, तो वो चीज़ अभी नहीं है, भुवनेश्वर ले गया। तो सेकेंड एम्स जो हम लोग का डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, बिल्डिंग रेडी हो गया है, घर रेडी है, एयरपोर्ट रेडी है, एयरपोर्ट फंक्शनल है, पेशेंट हम लोग का यहाँ पे जो चीज़ चाहिए एक डिस्टेंस जितना होना चाहिए सब कुछ क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को मान्यता दे दे, एम्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, जरा विरोध वाइस प्रेसिडेंट राजगांवपुर टाउन कांग्रेस का। सर, आज आप लोग पूरे सुंदरगढ़ को बंद किए कांग्रेस के द्वारा, क्या डिमांड है सरकार का? हम लोग सरकार के पास डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ सेकेंड एम्स हॉस्पिटल बने। जैसे कि आपको मालूम होगा पूरा सुंदरगढ़ सपोर्ट कर रहा, आज राजामपुर बंद है, राजामपुर भी सपोर्ट कर रहा है, सारा भित्तिभूमि हम लोग का पास है, लेकिन यहाँ एम्स हॉस्पिटल कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा है। अपना MP साहब जो कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है एम्स हॉस्पिटल में, वो अंधेरा में रखे हुए हैं अभी तक। तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि एम्स हॉस्पिटल सेकेंड एम्स हॉस्पिटल यहाँ नहीं होगा, तो हम लोग इसीलिए डिमांड रखे हैं और आज बंद कर रहे हैं। राजामपुर पूरा बंद हुआ है, हम लोग को पूरा समर्थन मिला है और हम लोग आशा करते हैं कि सरकार हम लोग का बात सुने और यहाँ सेकेंड एम्स हॉस्पिटल जल्द से जल्द बनाए। धन्यवाद। मैं इफ्तिखार अहमद, टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट। सर, आज सुंदरगढ़ जिला को कांग्रेस के द्वारा बंद किया गया है, क्या डिमांड है सरकार से आप लोग? हम लोगों का डिमांड है एम्स हॉस्पिटल यहाँ सुंदरगढ़ में और सुंदरगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ से एयरपोर्ट भी नज़दीक है, इसलिए ये यूनियन डिमांड है।
और पूरा पब्लिक का डिमांड है यहाँ पे होना चाहिए एम्स हॉस्पिटल। इस तरह का कोई हॉस्पिटल हमारे आसपास में नहीं है जहाँ सब तरह की सुविधा हो। एम्स हो जाने से यहाँ के पब्लिक को बहुत सुविधा होगी। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोई छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है, और सब डिस्ट्रिक्ट तो कट कट के दो तीन डिस्ट्रिक्ट बने हैं, लेकिन सुंदरगढ़ अकेला एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए हम लोगों का डिमांड है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। राजगांवपुर से सुभाष चंद्र बेहरा की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmati.com।